Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying the book Analysis of Financial Statements and doing the chapter on Cash Flow Statement. And here the question is, the headline of the question is, from the following details relating to Grow More Limited, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इसमें बैलेंस शीट दे रखा है और बैलेंस शीट के बाद आपके एडजस्टमेंट नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है 4. और एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन 25% दे रखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में. और ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, रिटेन डन वैल्यू 40,000, वॉज सोल्ड फॉर 70,000. 1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स. Proposed dividend for the year ended 31st March of the current year was rupees 4 lakh and for the year ended 31st March of the last year was rupees 2 lakh. तो यहाँ पे खाली 2 lakh का treatment होगा. और आपके plant and machinery जो account दे रखा है वो net value में दे रखा है, तो इसमें accumulated depreciation का treatment नहीं होगा. तो हम अभी लिखेंगे in the books of Grow More Limited, जिस कंपनी का नाम है उसको पहले उसका हेडलाइंस में उसका नाम लिखेंगे एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स. यहाँ पे जो टेंजिबल एसेट्स दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के बारे में हम प्लांट एंड मशीनरी भी कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स नेट अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो इसमें बेटर होगा अगर हम इसको टेंजिबल एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स में दे रखा है, तो हम इसका मशीनरी अकाउंट रहे हैं. तो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख दे रखा है एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपके 14 लाख. तो बैलेंस शीट 14 लाख, इसका नाम अगर मशीनरी अकाउंट लिखते होगे तो बेटर होगा. मशीनरी अकाउंट दे रखा है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. देन डेप्रिसिएशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो दे रखा है या ओपनिंग वैल्यू पे 25%, तो बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया. देन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आया कहाँ से. एडजस्टमेंट टू पढ़ो. During the year, one old machine costing 1 lakh, written down value 40,000, was sold for 70,000. तो 1 lakh का machine था, written down value 40,000 हो गया था, 70,000 में बेचा. 40,000 का machine को 70,000 में बेचा, तो profit हो गया 30,000. To statement of a profit and loss 30,000. अभी ये आपके क्रेडिट साइड, इसको यहाँ पे बेचेंगे तो बाय कैश अकाउंट सोल्ड, वो बताया है 70,000 में बेचा, तो यहाँ पे सोल्ड आया, यहाँ पे प्रॉफिट आया. और क्रेडिट साइड बड़ा है, उसको टोटल करो, टोटल करके डेबिट साइड में उतारो, उतार दिया, उससे 10,30,000 माइनस कर दो डेबिट साइड का टोटलिंग, तो विल बी गेटिंग टू कैश अकाउंट मशीनरी परचेज, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 6,90,000. इसका नाम लिखो मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और मशीनरी सोल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और मशीनरी परचेज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस होगा. तो प्लांट एंड मशीनरी के साथ नीचे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे दे रखा है आपके इस क्वेश्चन में. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपके एडजस्टमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स 3 में दे रखा है. ओपनिंग 1,40,000 एंड क्लोजिंग 2 लाख, टू बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे 2 लाख. देन टैक्स पेड सी एडजस्टमेंट 3, टैक्स पेड 1 लाख, टैक्स पेड आपके 1 लाख है,
टैक्स पेड। तो ये टैक्स पेड जे कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होगा। करो टोटल करके आप लिखो 3 लाख, इसको यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर 1,40,000 माइनस करके आपका आएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, बाई स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स प्रोवाइडेड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो 3 लाख से 1,40,000 गया तो 1,60,000 आएगा। ये आपके अप्रोप्रिएशन और टैक्स में ऐड हो, और ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होगा। नेक्स्ट आप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ डिटेल्स अमाउंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखा है। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है सरप्लस 1,20,000, ओपनिंग में था, क्लोजिंग हो गया 2 लाख, तो प्रॉफिट कमाया 80,000। तो क्लोजिंग सरप्लस 2 लाख लेस ओपनिंग सरप्लस 1,20,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट है 80,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। जनरल रिजर्व वही सरप्लस के ऊपर दे रखा है, जनरल रिजर्व नोट्स टू अकाउंट्स का फर्स्ट पॉइंट, 3 लाख था ओपनिंग वैल्यू और 4 लाख हो गया क्लोजिंग वैल्यू, तो 4 लाख माइनस इज इक्वल टू 1 लाख, जनरल रिजर्व बढ़ गया। और इसके बाद प्रोविजन पर टैक्सेशन, हमने अकाउंट बनाए थे तो प्रोविजन पर टैक्सेशन जो आया वहां ऐड करेंगे कैसे ना, ये है प्रोविजन पर बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट वन ये ऐसे आता है, नेक्स्ट वन होता है आपके प्रपोज डिविडेंड, जो एडजस्टमेंट में दे रखा है, डिक्लेयर एंड लास्ट ईयर एंड पेड इन करेंट ईयर 2 लाख, 4 लाख 2 लाख हो रखा है, बट करेंट ईयर का लास्ट ईयर में डिक्लेयर करा कि इस साल पे कराओ। ये तीनों को अगर ऐड करूंगा तो 4,60,000, 4,60,000 इधर आएगा, तो 80,000 प्लस 4,60,000 ये हो गया 5,40,000, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 5,40,000। फेयर नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रो मोर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ए में लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा ना, लास्ट पेज में जो आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 5,40,000, उसको लिखेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। एंड फिक्स्ड एसेट अभी दिखाता हूँ कहाँ से आया, इधर आया, इसका 25%, इसका 25% एडजस्टमेंट में दे रखा है, सेम थिंग। फिर ये ऐसे आता है डिवेंचर इंटरेस्ट, आपको क्वेश्चन पढ़ने का मांगता है, क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट में ड्यूरिंग द करेंट ईयर न्यू डिवेंचर इशूड ऑन अक्टूबर 1, तो जो अक्टूबर 1 को न्यू डिवेंचर इशू है ना, तो आप ध्यान से देखो डिवेंचर है कितना ना, डिवेंचर लास्ट ईयर में था नहीं, इसी साल 4 लाख है, और ये अक्टूबर 1 को इशू हो रखा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का 10%, 4 लाख का 6 महीने का 10%, दैट इज 20,000। तो 5,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 20,000, ये आपके टोटल करके इधर आएगा, दिस इज 8,10,000। ये होते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
less non-operating incomes और नॉन कैश इनकम्स, जिसमें कैश मिलता नहीं या वो बिजनेस का इनकम नहीं है। ये देखो मशीनरी आया कहाँ से, ना इधर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, देन लेस करो इसको 8,10,000 से 30,000 लेस करो और लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,00,000। देन आर डिक्रीज इन करेंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल आपके बिल्स रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे घट रहा है। तो डिक्रीज इन करेंट असेट्स आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बैलेंस आपके आया 11,80,000। इसका उल्टा लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन करेंट असेट्स डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल आपके घट रहा है, घट रहा है तो यहाँ पे लेस में आ जाएगा 2,40,000। देन इन्वेंट्री आपका बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री विल कम हियर लाइक दिस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4,00,000, और ये दोनों 6,00,000 माइनस करके आएगा 5,40,000। देन इनकम टैक्स पेड एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 1,00,000, तो इससे इसको माइनस करने के बाद आएगा 4,40,000। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,40,000। देन कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपके जितने असेट्स बिकता है, जिसमें पैसे आता है या जाता है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो मशीनरी सोल्ड 70,000 क्वेश्चन में भी दे रखा है और आपके अकाउंट से भी आएगा, मशीनरी सोल्ड ऐसा आया। और मशीनरी परचेज्ड, यहाँ पे मशीनरी परचेज्ड पैसा गया, ये देखो 6,90,000 बैलेंस करके हमने अकाउंट में, अकाउंट बनाने के बाद निकाला था मशीनरी परचेज्ड। देन लैंड एंड बिल्डिंग देखो बढ़ रखा है, आपके एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है ना, यहाँ पे टेंजिबल असेट्स के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, ये 8,00,000 से 12,00,000 हो रहे, तो 4,00,000 का खरीद लिया। देन कम्स योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो भी बढ़ रहा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 0 से 2,00,000 हो रहा है, तो 2,00,000 का खरीदा, तो इसको माइनस में यहाँ पे आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यूज्ड इन, तो 12,20,000 इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल बढ़ रखा है 4,00,000, क्योंकि आपका ये बन रहा है ऐसे ही 4,00,000, इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके जो शेयर कैपिटल दे रखा है उसका डिटेलिंग नोट्स टू अकाउंट्स 1 में है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 16,00,000 से 20,00,000 हो रहा है, तो 4,00,000 बढ़ रहा है, तो दैट इज 4,00,000 बढ़ गया। देन 10% डिवेंचर भी बढ़ रखा है, 4,00,000 इशूड हो रखा है 1 अक्टूबर को, ये दोनों में पैसा आया। देन प्रपोज डिविडेंड डिक्लार्ड लास्ट ईयर एंड पेड इन करेंट, प्रपोज डिविडेंड डिक्लार्ड इन लास्ट ईयर एंड पेड इन करेंट ईयर -2,00,000। देन डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट 20,000 पे हो रहा है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड मैंने कैलकुलेट करके नॉन ऑपरेटिंग में ऐड कर रखा है, फाइनेंसिंग में लेस करूंगा, तो उसको कैलकुलेट करो 5,80,000। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, ए माइनस बी प्लस सी, ये माइनस, ये तीनों को कैलकुलेट करके ये माइनस में आ गया 2,00,000। डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -2,00,000, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप देखो आपके ओपनिंग कैश कितने दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे कैश दे रखा है ओपनिंग कैश
and cash equivalent, current investment है नहीं, तो 2 लाख ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नील है, तो यहाँ पे नील आएगा, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू नील, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये टैली कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके आंसर पूरा करेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडिंग।